नमस्कार प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव सबके गोड़ छुके गोड़ लगता नहीं, जितना भी ये लोग हमके प्यार करेला और जे हमके अपने आशीर्वाद में रख लेगा। बस बहुत दिन से एगो तकलीफ बा कि केहू के गाली दे दहल, केहू के कुछ बोल दहल, केहू के कुछ कह दहल। बंगाल भी इंडस्ट्री बा, साउथ के भी इंडस्ट्री बा, हर भाषा के एगो इंडस्ट्री बा। लेकिन हमके लागत था कि ज्यादा समझदार हमी के भोजपुरी के ही लोग बा कि हर बात पे केहू के कुछ बोल देवे के बा, केहू खातिर कुछ गा देवे के बा, केहू खातिर कुछ कह देवे के बा। जहाँ तक ले हम अपना जे हमरा के प्यार कर लो, ओकरा से हम रिक्वेस्ट और हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हनी कि आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके साथ हैं और आप मुझे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बट आप मेरे सपोर्ट के लिए आप प्लीज़ किसी को गाली ना दें और किसी को भला बुरा ना कहें। और एक और चीज़ मैं सबको बता देना चाहता हूँ, जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर, चाहे वो मेरे सपोर्टर के हों या मेरा बुराई करने वाले लोग, मैं सबसे पहले क्लियर बता देता हूँ। कहाँ है वो मेरा कागज़, एक बार दिखा दो सबको। मेरे खिलाफ और मेरे लिए अभद्र बात अगर किसी ने भी कहा, चाहे वो मेरा सपोर्टर है या मुझे प्यार नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये बातें बोल रहा हूँ मैं, सबके लिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी को बांट के बातें कर रहा हूँ, सबकी बातें कर रहा हूँ। कि कोई भी आदमी मेरे खिलाफ अगर कोई भी चीज़ मेरे नाम से, अगर उसने चैनल को या मेरे न्यूज़ बनाया, मेरे फोटो डालकर न्यूज़ बनाया, तो मैं पूरे खानदान को बाट लगा सकता हूँ। ये दिख रहा होगा, ये भारत सरकार का है, ये भारत सरकार का है। जिसको नहीं दिख रहा है भाई, देख लेना एक बार बढ़िया से, देख लेना, जो पढ़े लिखे हैं वो देख लेंगे। इसको हम लोग पब्लिक डाल देंगे। और ऐसे में इसको पब्लिक पब्लिकली करने वाला हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चाहे जो भी हैं और जो भी मेरे पे कोई भी निगेटिव न्यूज जो भी बनाया, बहुत प्यार करूँगा उसको मैं। इतना प्यार करूँगा कि शायद उस मेरे प्यार से तबाह हो जाएगा, ये क्लियर जान लो आप। चाहे वो कोई भी हो, आप हमें प्यार करते हो, अच्छा लगता है, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। आप हर आदमी के सपोर्ट में मैं खड़ा होता हूँ, मजबूरी हो जाए तो भी मैं खड़ा रहता हूँ। अगर खुश में आप हैं तभी मैं आपके साथ रहता हूँ। मैं हर वक्त आपके साथ रहने की कोशिश करता हूँ, अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहती है इसीलिए हर चीज़ पे आदमी, मैं फेसबुक देखता नहीं, सिर्फ लाइव आता हूँ कभी कभी, या मैं इंस्टाग्राम पे आता हूँ या इस पे आता हूँ। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी न्यूज हो, चाहे वो कोई भी होगा, मेरा फोटो डालने से पहले और मेरा नाम लेने से पहले एक बार परमिशन प्लीज ले लेना, नहीं तो मैं चैनल को कहाँ लेके जाऊंगा उसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा। आपके चैनल को उड़ाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा और पूरे खानदान को घसीट दूंगा मैं। तो एक क्लियर जान लो कि मैं पहले आप सबको आगाज कर रहा हूं, और ये आज से नहीं, मेरे पास 2 महीना पहले से पड़ा हुआ है। मेरा नाम लेकर कोई भी लाइव आकर और फालतू गिरी किया, फालतू बातें की, चाहे वो किसी के लिए भी किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको क्लियर बता रहा हूं आपसे, क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन इतना कचरा किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो हम बिगड़ जाएंगे, तो शायद बहुत बुरा होगा। और हम बिगड़ चुके हैं, अब हम बिगड़ चुके हैं। आपको लगता होगा कि हम सुधरे हैं, तो हम सुधरे, इतने भी हम सीधे नहीं हैं कि आप मुझे कुछ भी कह के चले जाइए और कुछ भी बोल के चले जाइए और हम आपको इसे ही माफ करते रहें। भगवान को भी बाण उठाना पड़ा था, अत्याचार जब होती है ना तो सुदर्शन चक्र चलाना पड़ता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी आदमी हो। तो जब ईश्वर शिशुपाल के 100 गलतियां माफ करके 101 हुआ, तो हो गया ना काम, उसका खेला हो गया। उसी तरह अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे बताना पड़ेगा। मैं अपने जो मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि प्लीज़, आपको ये किसी ने हक नहीं दिया है,
मैं किसी को नहीं बोलता कि आप इनको आकर गाली दो, इनको आकर कुछ बोल दो। आप अपनी बातें रखो, लेकिन उसका तरीका रखो, उसकी सलीनता रखो। किसी को माँ बहन की गाली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर कोई भी मेरा फैन आपको गाली दे रहा है, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे गाली दो। ये पहले क्लियर ये भी कह रहा हूँ आपको। आप उससे निपटो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो जैसा करता है वैसा भरेगा। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा आदमी गाली दे रहा है और आप मुझ पे बरसोगे ना, तो क्या करूं मैं यार? अब कितना प्यार करूंगा आपको भी पता है कि बहुत हो गया है अब, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं देती है और आप सबको शोभा नहीं दे रही है और हमें भी शोभा नहीं देती। हम भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भोजपुरी समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे थोड़ी करेंगे। भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी को गाली दे देंगे, किसी के लिए गाना गाएंगे, किसी को बेइज्जत कर देंगे? ये तो सभ्यता नहीं है हमारे भोजपुरी संस्कार का। आप किसी से नफरत करते हो तो करो ना, उसको पर्सनली आप फोन करके बात कर लो उससे। आप पर्सनली अगर किसी को आपको बातों से तकलीफ हुई है, तो सोशल मीडिया, मैंने इसका मतलब क्या है, सोशल मीडिया पे आप हगना शुरू कर दोगे जी? ये कौन सा नियम है? किसी के लिए भी सोशल मीडिया बनाया है अच्छी बातें करने के लिए। सोशल मीडिया बनाया है कि आप दुनिया को समझाइए। आप FB फेसबुक चलाने आता है कि नहीं आता है, कुछ भी लिखकर अंड संड, कोई गाना कोई गाता है तो उसके नीचे आप कमेंट किसी को बोल देते हो, कोई अगर बात अपनी बोलता है तो उसके नीचे आप गालियां भर देते हो। मैं क्लियर बोलता हूँ, कमेंट करने वालों के लिए भी उसका तरीका है, सलीनता है। अच्छी बातें करके भी आप किसी को समझा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को गाली देकर समझाओ। मैं सबसे एक बात बोल रहा हूँ क्लियर, कि मेरा नाम लेकर कोई भी न्यूज, कोई भी निगेटिव बातें अगर मेरे लिए कोई बोला, तो मैं सिर्फ उसको ही नहीं, पूरे खानदान को लपेट दूंगा। ये क्लियर आप जान लीजिए। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरा फोटो, मेरा नाम किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने अगर यूज किया, तो विदाउट मेरे परमिशन आप नहीं कर सकते। अगर किए तो इतने दूर तक लेके जाऊंगा कि शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। आपके सपोर्ट में दुनिया का कोई भी आदमी खड़ा हो जाए ना, उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप जिसको सपोर्ट में उतारना है उतार लो, मुझे दिक्कत नहीं है उससे। आपको सपोर्ट में अगर कोई बहुत बड़ा स्टार खड़ा हो जाए, बहुत बड़ा नेता खड़ा हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास हमारी जनता है जिसको मैं भगवान स्वरूप मानता हूं, और 1000 कमेंट्स में से और 1000 रिपोर्टरों में से 2-4 ही 5 लोग रिपोर्टर है ना, कि अपनी रोटी सेकने के लिए किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं क्लियर बोल रहा हूं कि ऑलरेडी मैं अपने नाम खेसारी लाल यादव, ये 3 चीजें ऐसी हैं, खेसारी, ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसको मैंने अपने नाम से बिहार सरकार से रजिस्टर्ड कराया है, इंडियन गवर्नमेंट से ये ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड कराया हूँ। मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि बोलना पड़ेगा, और ये मैं आपको भेज भी दूंगा, सोशल मीडिया पे डालूंगा मैं, आप देख लीजिएगा। किसी ने भी अगर मेरा नाम, मेरा फोटो या मेरी आवाज कुछ भी अगर आपने डाला फेसबुक पे विदाउट परमिशन, तो बेटा इतना दूर ले जाऊंगा कि शायद अंदाजा आपको नहीं होगा। आप किस कोने में छुपे रहोगे, मुझे ढूंढने में टाइम, और मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो प्रशासन ढूंढ लेगा। मैं तो कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं जे मैं आपके साथ लड़ जाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। और मैं ऑलरेडी हर बिहार के सारे जिला के पास ये पहुंच जाएगा, सारी चीजें बिहार ओपी, ये पब्लिक के लिए मैं आप सबसे, और ये प्रशासन के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, प्रशासन से भी, ये वीडियो में प्रशासन तक इसीलिए पहुँचाना चाहता हूँ कि विदाउट परमिशन मेरे अगर कोई भी आता है, तो मेरा सिर्फ आपके पास एक लेटर जाना चाहिए, और किसी भी जिला में कोई भी मेरा लड़का जाकर आपके पास दर्ज करा सकता है, ताकि आप भी ये ना कहो कि हाँ खेसारी की परमिशन लेने की जरूरत है। जी नहीं, आपको परमिशन मेरा लेटर होगा, और मेरे लेटर पे आपको वो कार्रवाई करनी पड़ेगी,
क्योंकि मैं ऐसे नहीं कराया हूँ रजिस्टर्ड। अगर हमारी सुरक्षा ही नहीं है, हमारी पर मान सम्मान ही नहीं रहेगी, तो हम क्यों क्यों करें हम? तो फिर हम किस लिए? हम इंसान नहीं है जैसे हमें कोई गाली दे देगा, हमें कोई बात, हमें कुछ भी बोल देगा, कोई कुछ भी कह देगा। हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, हम भी इंसान हैं, ऐसे थोड़ी है जब हम नागरिक नहीं है। तो हमारा एक दायित्व तो बनता है आप सबको समझाना। मैं समझा रहा हूँ कि या तो आप समझ जाइए और आप सुधर जाइए, नहीं तो मैं बिगड़ जाऊँगा तो शायद बहुत बुरा होगा। हर आदमी की माँ और बहन एक समान होती है, सबकी, मैं लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए ये बातें हैं। विदाउट परमिशन किसी को अलाउ नहीं है कि मेरे बारे में आप बोलो। मेरे बारे में कोई भी आदमी निगेटिव बोलेगा, कोई भी आदमी अगर कुछ बोलेगा, मैं अब इतने दूर तक लेके जाऊंगा कि मैं सिर्फ उसको ही नहीं, माई बाप, भौजाई, भाई, सब जने कहते ना अंदर लेके जाए कि फिर जीवन बिता दे तार लो के। अगर हम अपने आप को बनाने के लिए दिनों रात अपने शरीर से लेकर, अपने दिमाग से लेकर, अपने परिवार से दूर रह के अपने आप को बड़ा करने के लिए मैं जब इतना कर सकता हूँ, तो किसी पे ना 2-4-5-10-20 लाख रुपया खर्चा करने में मेरा टाइम ना लगे। यो जान ले लो, ये क्लियर जान ले लो। और आज से स्टार्ट बा, जिसको भी मेरे बारे में बोलना है वो निगेटिव अगर बोल दिया, माँ कसम अब का करूँगा मैं, उसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। कि हम अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपने प्रतिष्ठा, 2 पैसे कमाता हूँ, इज्जत से कमाता हूँ, मेहनत का 2 रोटी कमाता हूँ, तो खाने दो मुझे और सबको खाने दो। आप अपनी बातें रखो, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन रखने का एक शैली होनी चाहिए, रखने का तरीका। और हाँ, मेरे साथ किसी भी फैन का फोटो है, अगर वो फोटो यूज कर रहा है मेरा, तो उस पर अच्छी बातें करें, और उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर वो कुछ गलत करता है तो आप उससे डायरेक्ट बात करिए, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप इनको गाली दे दो, इनको बोल दो, इनको ये कह दो, उनको वो कह दो, ऐसा मेरा नेचर नहीं है, मुझे उतना वक्त नहीं है। तो इसलिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि कोई भी, जो भी मेरे फैन है भाई, आप अपनी बातें शालीनता के साथ रखिए। आप अपनी जो भी बातें रखना है आप उसको ऐसे ढंग से रखिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। किसको अच्छी बातें समझ में नहीं आती? लेकिन आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उसका भुगतान आपको खुद ही करना पड़ेगा। गलत चीजों के लिए मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर सकता, एक क्लियर जान लीजिए आप, चाहे वो कोई भी हो। मैं गलत चीजों का बढ़ावा नहीं दे सकता। और मैं जितने यूट्यूबर हैं जो न्यूज बनाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, मैं उनसे क्लियर बोल रहा हूं कि कोई भी चीज मेरे मेरे नाम से निगेटिव आपने अगर कोई पब्लिसिटी किया, तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, ये क्लियर जान लो। आप मेरा न्यूज मत बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके न्यूज से मेरे जीवन नहीं चलती है, मेरे गायकी के बदौलत चलती है। मैं अच्छा गाता हूं तो दुनिया सुनती है, मैं अच्छा नाचता हूं तो दुनिया देखती है। ये जब न्यूज नहीं था तो क्या मेरा अस्तित्व नहीं था? मेरा जितने भी गाने पहले हिट हुए थे तो वो आपके न्यूज की बदौलत तो हुए नहीं भाई। और प्लीज अब बर्दाश्त से फाजूल हो रहा है, हर चीज का सफाई मैं आकर दूं ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आप किसी को भी कमेंट में किसी के भी आप गाली देंगे, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और मैं जहां तक खास करके मैं क्लियर बोल रहा हूं, मेरे प्रति अगर किसी ने भी कोई निगेटिव न्यूज डाला या मेरा फोटो या मेरा नाम यूज किया, तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। आज से देख लो, ये मैं पूरा इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैं अपनी सारी चीजों को रजिस्टर्ड करा के इसीलिए 2 महीने पहले मंगाया हूं। फिर एक बार आपको दिखाता हूं, ये देख लो, जो नहीं देखे उनके लिए है ये, या पढ़ लो। देख लिए, यही है। ये सलाह देने के लिए मैं सिर्फ लाइव आया था आप सबके, क्योंकि आज बहुत दुख हुआ है मुझे, और इतना दुख हुआ है कि पूरे खानदान अंदर जाएंगे। छोड़ूंगा नहीं मैं, अब बर्दाश्त से फाजूल है। और सबकी अपनी माँ बहन बेटियाँ होती हैं, और सबकी माँ बहन बराबर होती है,
सबकी माँ बहन, हम उसी कोख से पैदा होते हैं, उसी जगह से निकलते हैं हर आदमी, और हम उसी की इज्जत नहीं करते तो हमें जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप गाइए, आपको कोई नहीं रोका है, आप गाइए बजाइए, आप अपना मनोरंजन करिए, लेकिन उस मनोरंजन से किसी को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उस मनोरंजन से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उस मनोरंजन से किसी को तकलीफ ना हो, तो आपका मनोरंजन सार्थक है। वो मनोरंजन सार्थक है तब जब उससे किसी को तकलीफ नहीं हो। आप मनोरंजन किसी को गाली देकर करोगे, किसी की माँ बहन की, किसी की बेटी की, किसी की माँ बहन की, किसी की भौजाई की, मैंने आप किसी को गाली देकर आप मनोरंजन करोगे, ये कौन सा रीजन है भाई? आप जिस कोख से निकलते हो क्या आप अपने माँ को गाली दोगे? जिस कोख से आपकी बहन निकली है क्या उस बहन के नाम लेकर गाली दोगे? आप जिस बेटी को पैदा करते हो क्या उस बेटी के नाम लेकर गाली दोगे? नहीं दोगे ना। तो आपकी बेटी बेटी है, आपकी माँ माँ है, आपकी बहन बहन बहन, दूसरे की बहन बेटी, ये इंसान नहीं है? प्लीज, और भी इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री भी है, कलकत्ता की भी इंडस्ट्री है, उड़ीसा की भी इंडस्ट्री है, लेकिन इतना कचरा नहीं होता यार, क्यों ऐसे कर रहे हो आप लोग? आप अपनी बातें सलीनता से नहीं रख सकते? हाँ, किसी को गाली दे दोगे तभी समझ में आएगा जो गलत है, उसको प्यार से भी समझा सकते हो। आपको अच्छा नहीं लगा तो मत कमेंट करो, क्या फर्क पड़ता है? आपके कमेंट के बदौलत तो थोड़ी जिंदा है यार। हम मैं सारे अपने भगवान से, जितने भी मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भाई आप लोग मेरे लिए ईश्वर हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आप किसी को गाली मत दो, आप अपनी बातें रखो, गलत आपको लगता है तो आप अपनी बातें रखो, लेकिन उसका भी एक तरीका, उस तरीके के साथ उसको प्रूफ करो कि ये गलत है। गाली देकर उसको शर्मिंदा मत करो, उसमें मेरी बदनामी होती है। आप मेरे साथ फोटो लगा के और किसी को गाली दोगे तो दुनिया तो यही सोचेगी ना कि खेसारी लाल यादव करवा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप ऐसा मत करो, और प्लीज कुछ लोग हैं जो फोन रिकॉर्डिंग भी करते हैं यार, और रिकॉर्डिंग करते हो तो यार अगर तुमसे कोई बात भी करता है तो रिकॉर्डिंग मान के चलो, जो कोई गलती करता है तो तुम किस लेवल के हो भाई? मत करो ये सब चीज़ें यार, उससे हमारी भोजपुरी बदनाम हो रही है, प्लीज मत करो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी के माँ बहन के लिए अपने माँ बहन की तरह सम्मान करो, किसी की भी हो माँ बहन क्यों ना हो। हम किसी के लिए गाना क्यों गाएंगे यार? वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है। हमारी माँ माँ है, हमारी बेटी बेटी है, हमारी बहन बहन है। अगर गंदा गाना गा के ही दुनिया में स्टार बनना है तो फिर ठीक है, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो तो आपकी सोच है और आपकी परवरिश, आपकी पैदाइश और आपका संस्कार है। बट किसी के बेटी बहन के लिए कोई गाना, कोई भी आदमी, चाहे किसी को माँ बहन की गाली जो दे रहे हैं आप, एक बार अपनी माँ बहन की तरफ भी देख लिया करो, मैं यही कहने चाहता हूँ। और प्लीज एक बार आखिरी बार फिर से बोल रहा हूँ, मेरे नाम पे, मेरे फोटो पे खेसारी, खेसारी लाल, खेसारी लाल यादव, एक्टर खेसारी, अखेसरिया, ये सारा कुछ रजिस्टर्ड है मेरे पास, और मेरा चेहरा तो रजिस्टर्ड है ही है। इस पे किसी ने भी कोई न्यूज बनाया गलत तो फिर जयराम जी के, उसके बाद हम नहीं, हमारा वकील आपसे बात करेगा, और सिर्फ वकील आपसे ही नहीं, पूरे खानदान से बात करेगा, क्योंकि मैं केस सिर्फ आप पे नहीं करूंगा, एक्शन सिर्फ आप पे नहीं लेने वाला, पूरे खानदान को लपेट दूंगा, और पूरे जीवन के लिए दो चार 20-25 लाख खर्चो हुई ना तरह पर तो कर दे बाबू, हमके कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जनता रूपी भगवान हमरा के चंदा दे के हमारे के बढ़ावले बा, बहुत बड़ा बनौले बा, तो जनता पर विश्वास बा हमके, ये जनता हमेशा मुझे हमारे के प्यार करी, कैसे कि जनता में अगर 20 लाख कमाई ले ना तो 10 लाख खर्चा करे के भी क्षमता रखी ले, आ जौन 10 लाख बचल बा उतारा पर कर दे का करब,
तारा पक्का के तारा के आदमी बना दे, आ तोहरे के ना पूरा परिवार के आदमी बना दे, पूरा जीवन जेल में सड़वा दे। रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, प्लीज बस लव यू। अगर किसी को मेरे बातों से तकलीफ हुई होगी तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्षमा करिएगा, बशर्ते मैं इसलिए बोलना चाहता था कि बहुत हो गया, अब भोजपुरी को आप लोग मत बर्बाद करो, मत करो प्लीज। अपनी बातें रखो सलीनता के साथ, जिसमें सबको अच्छा लगे और अगला समझ भी जाए कि हाँ ये गलत हुआ है। किसी को गाली गलौज करके, किसी के लिए गाना गा के, किसी को इंटरटेन करने के लिए किसी और को हम नीचे दिखा दें, ये ठीक नहीं है। आप अपने माँ बहन की तरफ भी देख लिया करो फिर गाना गाओ। आपकी भी माँ बहन है, सबकी माँ बहन बराबर होती है। आप अपनी बातें रखो, आप आज़ाद हो, बशर्ते आपके बातों से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, इसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। न्यूज रिपोर्टर जितने भी हैं सबको प्रणाम, बशर्ते आप ये सोच लीजिए, आप मेरे अपने हैं तो भी आपके लिए बोल रहा हूँ, और आप मेरे मुझे पसंद नहीं भी करते हैं तो आपके लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कोई भी निगेटिव, कोई भी गलत अगर आपने मेरे फोटो के साथ या मेरे नाम के साथ छिड़कानी की, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि आप कौन हैं और आप क्यों हैं। और सॉरी अगर आपको ये लगता है कि आपके बदौलत मेरी जीवन है, तो सॉरी, दो चार दस न्यूज बनाने के बदौलत मेरी जीवन नहीं चलती है। मैं जितने भी न्यूज रिपोर्टर हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, आपके न्यूज से मेरा जीवन नहीं चलता है, मेरे वजह से आपका चैनल चलता है। तो आइंदा ख्याल रखिए, मैं एक्शन लेना शुरू करूंगा तो सबको बराबर ठोक दूंगा, तो इसलिए क्लियर आप समझ जाइए, क्योंकि अब मैं तंग हो चुका हूं। बर्दाश्त की एक हद होती है और बर्दाश्त जितना करना था मैं कर लिया हूं, अब नहीं हो पा रहा है। तो ये क्लियर जान लीजिए कि आप किसी के लिए भी जो आपको यूज करना है करिए, उसका वो अपना लुकआउट है वो करेगा। मैं अपनी बातें कर रहा हूं, मैं अपने फैन जितने भी मुझे मोहब्बत, आप मेरी जनता रूपी भगवान जितने भी मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी को आपको गाली देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बातें रखिए लेकिन उसको सलीनता के साथ रखिए, ये नहीं कि आप किसी को गाली दे दीजिए। आप अच्छी बातें करिएगा तो मैं आपके बचाव में हमेशा खड़ा रहूँगा। आप अगर गंदा किसी को लैंग्वेज बोलिएगा, किसी को गाली दीजिएगा, तो मैं आपके बचाव में जीवन में नहीं आने वाला, ये आज क्लियर बोल रहा हूँ, और मैं आपके साथ नहीं हूँ। जो किसी और की इज्जत नहीं कर सकता, जो अपनी इज्जत नहीं कर सकता, वो किसी और की इज्जत नहीं करेगा, वो हमारी इज्जत नहीं करेगा, ये मुझे भी पता है। तो एक क्लियर जान लो आप कि मैं अगर लूंगा तो बाकायदे बढ़िया से लूंगा, ये जान लो। और आज के बाद से कोई भी न्यूज मेरे खिलाफ किसी ने भी बनाया, मेरे नाम के खिलाफ, मेरे चेहरे के खिलाफ, तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। उसके लिए दो चार पाँच दस बीस 25 लाख रुपया खर्चा कर दे बाबू, अब हमारा करहूँ के ना परी। ऑलरेडी हमके इंडिया सरकार, इंडिया गवर्नमेंट दे दे ले बा कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं हर जगह अपना लेटर रखा हूँ, और इसीलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि ये हर जिला में मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँ कि ऑलरेडी मैंने आगाज कर दिया था, इसके बाद ये चीज़ें हुई है, ठीक है। तो लव यू ऑल, जितने भी मेरे भगवान स्वरूपी जनता है सबको प्रणाम। कल एक मेरा गाना और रिलीज हो रहा है, तो आप उसको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और अपने भाई को ऐसे ही दिल में रखिए। लव यू ऑल।